पूरे वर्ल्ड में अगर बैग की बात की जाए तो करीब 30 से 35 टाइप का बैग होता है, लेकिन अगर एशिया रीजन की बात करें तो यहाँ भी 10 से 12 टाइप का बैग होता है। बैग सबका पसंदीदा होता है। आज हम इसी टाइप ऑफ बैग और साथ ही उसका प्राइस रेंज क्या होता है उसी पे बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कुमार सॉल्यूशन। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद सबसे पसंदीदा बैग कौन सा है आपका वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाइएगा। साथ ही आप किसको अभी होल्ड कर रहे हैं वो भी साझा कीजिएगा। सबसे पहले आता है क्रोशियर टाइप का, ये एक आप बुलेट कह सकते हो, इसको क्रोशियर होता है। ये 2 लाख से स्टार्ट होता है और इसका रेंज 7 से 8 लाख तक जाता है। ये आपको इंडिया में कम मिलेगा, अगर यहीं आप जैसे हैदराबाद जो मेट्रो सिटी है वहाँ जाते हो तो आपको ये बैग देखने को मिल जाएगा। सेकेंड पोजिशन पर हमने रखा है स्पोर्ट बैग को। ये आपको आजकल इसको छपरी स्टाइल कहा जाता है, पर इसका अगर प्राइस रेंज की बात करें तो स्टार्टिंग में तो महंगा आता था, पर अब ये 1.5 लाख से स्टार्ट होता है। 1.5 लाख में आपको यामाहा हीरो का मिल जाएगा, और अगर आप BMW या इस सब का जाते हो तो 12 से 13 लाख 20 लाख इतना तक इसका प्राइस जाता है। उसके आगे बात करते हैं सुपर बाइक की, तो ये मिनिमम प्राइस जो है वो 10 लाख से होता है और मैक्सिमम आपका 40-50 लाख, मतलब सबसे महंगे बाइक में अगर बात करें तो वो सुपर बाइक होता है। उसके बाद बात करते हैं कैफे रेसर की, तो ये जैसा भी एक हंटर आया छोटा छोटा गाड़ी आता है, लेकिन इसका प्राइस अधिक होता, ये 2 लाख से स्टार्ट होता है और आगे कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं BMW ये सब भी इस बाइक को बनाती है, तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन जो एवरेज बाइक का प्राइस देखेंगे वो 2 लाख से स्टार्ट होता है, 3-4 लाख में आपको एवरेज बाइक मिल जाएगा। आगे आता है टॉरेर, ये भी काफ़ी महंगा बाइक आता है और बहुत ऊपर तक जाता है इसका रेंज, लेकिन ये आपको 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है और 30-40 लाख, या फिल्म में आप देखोगे जॉन विराम अक्षय कुमार जो एक स्पोर्ट बैग दिखाते हैं वो टॉरेट टाइप का बैग होता है जो कि 30-40 लाख के आसपास का होता है। फिर आता है एडवेंचर, ये आपको 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, 3-4 लाख तक जाते जाते ये सिमट जाता, हाँ फिर वही कंपनी की बात करेंगे तो वो तो बढ़ जाएगा। फिर सबसे जो एक मिडिल फैमिली का जो एक फेवरेट ड्रीम बाइक होता है, मुझे तो अपाची पसंद है, मैं चलाता भी अभी अपाची ही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो आता है कम्यूटर बाइक, या इसको स्ट्रीट बाइक हालांकि थोड़ा अलग हो जाता है, कम्यूटर बाइक इसे हम कह सकते हैं। ये पहले तो कम था प्राइस, पर अभी ये 1.25 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें SP125 काफ़ी बढ़िया गाड़ी आती है, और जो आप देखते हो पहले जैसे हंटर आता था, अपाची पल्सर, ये सब इस रेंज का बाइक है, ये आपको 1.25 लाख से ऊपर ही पड़ेगा। सबसे कम रेंज में इसमें यही SP125 और पल्सर का आता है, यही है। उसके बाद स्ट्रीट बाइक जो कि आपको इंडिया में सबसे अधिक देखने को मिलेगा, इसका रेंज 80,000 से लेकर 2 लाख तक का होता है। ये माइलेज मतलब लो मेंटेनेंस में काफ़ी अच्छी बाइक होती है, शॉर्ट रूट के लिए थोड़ा अच्छा होता है, लॉन्ग रूट के लिए आपको कम्यूटर बाइक चाहिए होता है। इसके बाद आता है स्कूटर, स्कूटर में भी आपको 2 टाइप का मिलेगा, एक ये स्कूटर होता है जिसका दाम थोड़ा कम मिलेगा, 80,000 से स्टार्ट होता है और अधिक बढ़ेगा तो आप 2 लाख के आसपास तक ये स्कूटर निपट जाता है। उसके बाद आता है मैक्सी स्कूटर, जिसे कुछ लोग इसको स्पोर्टी स्कूटर कहते हैं, स्पोर्टी स्कूटर कहते हैं, आप 3-4 बार लगातार बोलो तो स्पोर्टी स्कूटर, ठीक है ना, 10 बार बोलो लगातार नहीं बोल पाओगे आई थिंक। तो इसका प्राइस 1 लाख से ऊपर होता है, यानी कम से कम आपको 1 लाख से अधिक ही आपको इसके लिए पे करना होगा। इसके बाद आता है मोपेड, जो कि सबसे सस्ता गाड़ी होता है, ये 60,000 से शुरू हो जाएगा, 3 से 4 वेरिएंट आता है, ये इलेक्ट्रिक मॉडल में भी ऊपर का जो भी गाड़ी बात की है 3-4, जैसे मैक्सी स्कूटर, स्कूटर, स्ट्रीट बाइक, ये सब आपको इलेक्ट्रिक भी अभी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये कुछ टाइप के बाइक थे जो इंडिया में अवेलेबल है। आपका फेवरेट बाइक कौन सा है जरूर बताइएगा, और कौन से बाइक को आप होल्ड करते हैं, कौन सा बाइक अभी आप राइड करते हैं वो भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।